पिछले एपिसोड का सवाल ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए, और आपके ऑप्शन थे ए सुभानअल्लाह, बी अल्लाहु अकबर, सी अल्हम्दुलिल्लाह, डी ला इलाहा इल्लल्लाह। और माशाल्लाह आप लोगों ने काफी अच्छे जवाब दिए। इस सवाल का सही जवाब है बी अल्लाहु अकबर। और सबसे पहले जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया उनका नाम है सकलेन खान जी। तो सकलेन भाई बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कमेंट करने के लिए। नमाज की कितनी शर्तें हैं, और आपके ऑप्शन है ए 7, बी 11, सी 17, डी 21। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए 7। नमाज की 7 शर्तें हैं। नंबर 1 तहारत यानी जिस्म से नजासत को दूर करना। नंबर 2 सतरे औरत यानी मर्द का बदन नाप से लेकर घुटनों तक ढका हो और औरत का पूरा बदन ढका हो सिवाय मुंह और हथेली के। नंबर 3 वक्त। नंबर 4 इस्तकबाले किबला यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह हो। नंबर 5 नियत तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना। ये नमाज की 7 शर्तें हैं। किस पानी से गुस्ल जायज नहीं है, और आपके ऑप्शन है ए दरिया के पानी से, बी गुलाब जल से, सी ट्यूबवेल से, डी जाफरान के पानी से। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी जाफरान के पानी से। कोई रंग या जाफरान पानी में इतना पड़ गया कि कपड़ा रंगने के काबिल हो गया तो उस पानी से गुस्ल या वजू जायज नहीं है। अगर अजान हो रही है और अजान का जवाब देना भूल गया तो क्या करें, और आपके ऑप्शन है ए बाद में जवाब दें, बी जब ध्यान आए तब जवाब दें, सी खामोश रहें, डी तौबा करें। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी जब ध्यान आए तब जवाब दें। अगर अजान के वक्त जवाब नहीं दिया और अजान को ज्यादा देर नहीं हुई है तो अब जवाब दे लें। अगर नमाज में सजदा या सूरह भूल गए तो क्या करें, और आपके ऑप्शन है ए नमाज तोड़ दें, बी सजदाए तहरीमी अदा करें, सी सजदाए सहू अदा करें, डी सजदाए तौबा अदा करें। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी सजदाए सहू अदा करें। जो चीजें नमाज में वाजिब हैं उनमें से अगर कोई भी वाजिब भूले से छूट जाए तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए सजदाए सहू वाजिब है। इसका तरीका ये है कि नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बाद सिर्फ दाहिनी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे और करे और फिर शुरू से अत्तहियात वगैरह पढ़कर सलाम फेर ले। कुरान पाक पढ़कर भूल जाने की सजा क्या है, और आपके ऑप्शन है ए कयामत के दिन कोड़े पड़ेंगे, बी अंधा हो जाएगा, सी गरीब हो जाएगा, डी खात्मा बुरा होगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी अंधा हो जाएगा। कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना गुनाह है। ऐसा शख्स कयामत के दिन अंधा कोड़ी होकर उठेगा। नमाज अदा करते वक्त किसी दूसरे ने पीछे से सलाम किया और आपने दिल में उसका जवाब दे दिया तो क्या होगा, और आपके ऑप्शन है ए नमाज टूट गई, बी नमाज मकरूह हो गई, सी कोई बात नहीं, डी गुनाहगार हो गया। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब।
सही जवाब है बी, नमाज मकरूह हो गई। जबान से सलाम का जवाब दिया तो नमाज टूट गई, और अगर हाथ से या इशारे से जवाब दिया तो नमाज मकरूह हो गई। नमाज अदा करते वक्त कंधे पर रुमाल डालना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए मकरूह तहरीमी है, बी गुनाह है, सी जायज है, डी मना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए मकरूह तहरीमी है, कंधे पर इस तरह रुमाल डालना कि एक किनारा पेट पर लटकता हो और दूसरा किनारा पीठ पर लटकता हो, ये मकरूह तहरीमी है। किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? और आपके ऑप्शन है ए बीबी के, बी शौहर के, सी माँ के, डी भाई के। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी माँ के। अगर नफिल नमाज अदा कर रहे हो और माँ बाप दादा दादी आपको पुकारें और उनको ये पता ना हो कि आप नमाज अदा कर रहे हो तो नमाज तोड़ दें और जवाब दें। इसकी दलील कानून शरीयत हिस्सा नंबर एक पेज नंबर 133। किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? और आपके ऑप्शन है ए जिसने जिना किया हो, बी जिसने किसी का दिल दुखाया हो, सी जिसने अपने माँ बाप को मारा हो, डी जिसने हराम काम किया हो। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी जिसने अपने माँ बाप को मारा हो। हर मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाए वो कितना भी गुनाहगार हो, लेकिन तीन गुनाहगारों की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। नंबर एक बागी जो इमाम बरहक के खिलाफ लड़ने के लिए निकले और इसी बगावत की हालत में मारा जाए। नंबर दो डाकू, वो डाकू जो डाका डालते वक्त मारा जाए, इसको ना गुस्ल दिया जाए ना नमाज़े जनाजा पढ़ी जाए। नंबर तीन जिसने कई इंसानों का गला घोटकर मार दिया या जिसने अपने माँ बाप को मार दिया, उसकी भी नमाज़े जनाजा पढ़ना मना है। अपनी बीबी का दूध मुंह में ले लिया तो क्या होगा? और आपके ऑप्शन है ए निकाह टूट जाएगा, बी हराम है, सी निकाह मकरूह हो गया, डी गुना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी हराम है। ऐसा ख्याल करना भी नाजायज है, निकाह तो नहीं टूटेगा लेकिन ऐसा करना हराम है। अब सवाल आ गया आप लोगों के कमेंट करने का, तैयार हो जाइए। वजू में कितने फर्ज हैं? और आपके ऑप्शन है ए दो, बी चार, सी छः, डी आठ। आप तमाम लोग इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। अगर आप लोग डिटेल में इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह तबारक वताला कल शाम 7:30 पर हमारे इसी चैनल पर एक लाइव एपिसोड रिलीज होगा। आप लोग रोजाना लाइव में जरूर आया करें, अपने फोन में अलार्म लगा लें 7:30 का। अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तब भी आप लोग जीएस वर्ल्ड को सर्च करें और 7:30 पर हमारे चैनल पर आ जाएं। उस वक्त में आप लोगों को हमारे चैनल पर लाइव एपिसोड मिल जाएगा। आप तमाम लोग लाइव एपिसोड को ज्वाइन कीजिए, बड़ा मजा आता है। तो अगर आप लोग आज लेट हो गए तो कल इंशाल्लाह तबारक वताला मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। पूरे 7:30 पर जरूर आना सभी लोग। अगर आप लोगों को हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं और बाकी के एपिसोड आप लोग देखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों की स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट लगा दी है। आप लोग इस दी गई प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और बाकी के एपिसोड देखकर अपने इल्म में इजाफा कीजिए। ऊपर जो चिरागे गौसिया का वीडियो आ रहा है, ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में जो सेट आप लोगों को बताया गया है इस सेट को अभी अपने घर पर मंगाएं। इंशाल्लाह तबारक वताला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।